जय बोले जितेंद्र जी, नाश्ता हो रहा है, जय खाना हो बोले, रहा है? जय बोले, जय बोले, पराठा हो रहा है चार बिल्कुल, से। बिल्कुल, जितेंद्र जी अपना आज का भोजन लेते हुए मजे ले रहे हैं। उधर मेरे तैयार हो रहे, देखो शर्मा जी तैयार कर रहे हैं। और अभी हम काली टॉप पर हैं, सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है टेंट के बाहर। अभी हम धुंध के कारण फोटो नहीं ले पा रहे हैं ज्यादा। लो भाई पराठा, पराठा आ गया हमारा गर्मा गर्म। ये देखिए पराठा आ चुका है। हाँ जी, गरम पराठा जल दे दे भाई। 15 किलोमीटर सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये फल दिया है भगवान ने। चलिए जितेंद्र जी खाइए। जय बोले, जय बोले, जय शिव शंकर, जय बोले। ठीक है, ये हमारे भैया हैं आज हमारा जो सुबह से ये 15 किलोमीटर ऑन फुट चल के अभी अपने शरीर को तोड़ कर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तोड़ मरोड़ कर अपने शरीर को पूरा तोड़ मरोड़ के, आदत है नहीं लेकिन भगवान के दर्शन ले लेना। ये सुबह का ये यात्रीगण सुबह से पहला खाना जो ऊपर श्रीखंड जा रहे हैं, कोई घर जा रहा है, आगे धुंध पड़ी है इस कारण से आगे कुछ दिख नहीं पा रहा। ये भैया भूख के मारे अभी बस 2 बजे ना सुबह से कुछ खाया नहीं है। 15 किलोमीटर अभी हम लोग 15,500 फीट हाइट पे हैं। बिल्कुल। और ये है शर्मा जी, ये हमारा टेंट के मालिक। हाँ। तो ठीक है, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे। ओके, ओम नमः शिवाय। ये हमारे दिल्ली गाजियाबाद के भैया श्रीखंड यात्रा पर आए हुए हैं। ओम नमः शिवाय। आपको और... बता दें हम काली घाटी पे कोई वीडियो नहीं बना सके, मौसम बहुत ज्यादा खराब था। वो टॉप में काली घाटी है ऊपर, और इधर देख सकते हैं आप ग्लेशियर चारों तरफ। ये ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, ये देख सकते हैं इधर से यात्रीगण। अब हम लोग जा रहे हैं भीम तलाई पर, सामने जो ग्लेशियर दिख रहा है, जो टॉप है, जो वहाँ टेंट्स लगे हैं नीचे, वो भीम तलाई है। अब भगवान की मर्जी हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमारी कोशिश है आज कुंशा या फिर उससे अगला जो पड़ाव है वहाँ तक पहुँचने की, लेकिन मौसम आप देख रहे हो, हम लोग के सारे कपड़े भीग चुके हैं। तो ये देखिए इतना बढ़िया ग्लेशियर, बादल, बारिश, सब कुछ है यहाँ, रिस्क 4 गुना। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे भीम तलाई पे। जय शंकर, जय शंकर। हर हर महादेव। जय बोले, जय बोले। अभी हम लोग काली घाटी पे थे, काली टॉप पर थे, वहाँ इतनी ज़ोर से बारिश हुई, हम लोग कोई वीडियो कोई फ़ोटो कुछ नहीं कर पाए, और तो हमें मजबूरन रेनकोट लेके नीचे उतरना पड़ा। अभी हम जा रहे हैं भीम तलाई, जो ठीक आप पीछे ग्लेशियर देख रहे हैं वहाँ है, बादलों के नीचे ग्लेशियर है, आपको वाइट वाइट नज़र आएगा। ग्लेशियर पार करके हम लोग फिर कुंचा पहुँचेंगे। मौसम देखिए, मौसम की छटा देखिए, हरियाली देखिए, कुदरत का करिश्मा देखिए कि यहाँ भी लोग निरंतर चल रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये है भोले बाबा की कृपा। और मन में जरा सा भी डर नहीं, जय जय जयकार भोले की करते हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम वहाँ ग्लेशियर पे आपको मिलेंगे, हम लोग उतर रहे हैं नीचे। जय भोले, जय जय भोले शंकर। हम भीम तलाई से ऊपर बढ़ रहे हैं कुंशा के लिए, कुंशा, और आपको दिखाना चाहते हैं कि जगह जगह ग्लेशियर बना हुआ है, झरना है, पूरा ग्लेशियर बन गया है, बीच बीच में से टूटा भी हुआ है। हम हर साल लोग इसी को पार करके आगे बढ़ते हैं, इस बार हमें बहुत सारे ग्लेशियर मिलने वाले हैं। ये देखिए यहाँ के ग्लेशियर है, वहाँ कुछ श्रद्धालु लोग बैठे हैं, अभी हमें भी वहाँ से क्रॉस होना है। ये देखो यहाँ पूरा नीचे ग्लेशियर है, पूरा नीचे ग्लेशियर।
जय शिव शंकर। दोस्तों वो जो पीछे आपको छोटी छोटी सी हट दिख रही है, जब मैंने आपको बताया था कि हम भीम तलाई में, अब हम दूसरी पहाड़ी पर हैं, वो भी टॉप पर पहुंचने वाले हैं, कुंचा। देखिए वो पीछे नज़ारा, देखिए छोटी सी हट, पूरा एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, दूसरे पहाड़ के बाद तीसरा पहाड़, पहाड़ के बाद पहाड़। तो भोले बाबा तभी हमें दर्शन देंगे जब हम लोग अपनी परीक्षा में पूरी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये देखिए नीचे ग्लेशियर, ये देखिए। दोस्तों जय शिव शंकर। कुंचा जाने के लिए ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है, हमें पार करना है। ये देखिए उधर से और लोग भी आ रहे हैं, वो ट्रेल आपको दिख रही होगी, उस ट्रेल से क्रॉस करके हम लोगों को कुंचा पहुंचना है। ये ग्लेशियर है, अभी मैं यहीं से निकलूँगा। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि इस तरह का ट्रैक मेरे सामने फर्स्ट टाइम है। किन्नर कैलाश पे हमें ग्लेशियर नहीं मिला। ये देखिए वो लोग आ रहे हैं, ये देखिए बम बम भोले की जयकार करते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं। और अब बारी मेरी, जय शिव शंकर। जय भोले शंकर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये हमारे भैया अभी ग्लेशियर पर आराम आराम से चल रहे हैं। देखो श्रीखंड की यात्रा जितनी कठिन है, उतने ही यहाँ पर आप अपने अंदर के जो इमोशन होते हैं उनका आप अनुभव कर सकते हैं। यहाँ भैया ग्लेशियर पर चल रहे हैं आराम आराम से। देखो बड़े ही आनंदमय यात्रा है ये। यहाँ आपको वो पागलपन, वो जुनून मिलेगा, ये अनुभव आप यहाँ आकर फील कर सकते हैं। मैं सभी दर्शक लोगों से निवेदन करूँगा जो भी इस वीडियो को देखते हैं या देखेंगे कि आप आइए और देखिए श्रीखंड यात्रा, रोमांच भरी यात्रा है ये। वो भैया क्रॉस करते हुए ग्लेशियर को साइड पहुंच चुके। जय भोले, जय भोले, जय भोले। जय भोलेनाथ, हम लोग पहुंच चुके हैं कुंचा। ये पीछे टेंट्स वगैरह आप ये देख रहे हैं, ये सब कुंचा है। कुछ बुग्याल, ये टेंट्स। जय भोले, ये घास के मैदान, घास के पहाड़, और सामने की ओर एक और ग्लेशियर, वो देखिए लेफ्ट साइड। बहुत ग्लेशियर हैं इस बार, बर्फबारी बहुत हुई है यहाँ पर, इसीलिए अब हम अपने साथियों को ढूंढ रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर। जय शंकर, नमः शिवाय। दोस्तों हम रात में कुंचा में रुकने के बाद सुबह 4 बजे निकले हैं भीमद्वार के लिए। भीमद्वार से आगे हम जाएंगे फिर पार्वती बाग, नैन सरोवर और फिर शिवलिंग। और अभी सुबह के 5:15 बज चुके हैं, आप देखिए पीछे का पूरा ट्रैक, गहरी खाइयाँ और फिर ऊपर फिर नीचे, पीछे ग्लेशियर, पहाड़। ये पूरा भीमद्वार का रास्ता है कुंचा से। ये देखिए
फिलहाल मौसम ठीक है, भगवान की कृपा है, लेकिन आगे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और आगे अभी हमें पूरा ग्लेशियर पे वॉक करना है शिवलिंग के लिए, तो चलते हैं, बने रहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की। दोस्तों देखिए, हमारी स्क्रीन के बिल्कुल बीच में शिवलिंग, पहले दर्शन प्रभु ने हमें दिए हैं आज सुबह सुबह। हल्के बादलों के बीच देखिए, बर्फ के ठीक ऊपर एक शिवलिंग आपको दिख रही होगी, यही श्रीखंड महादेव है। बस भगवान से यही विनती करते हैं हमें भी दर्शन मिले बढ़िया। आप लोगों को दिखा रहे हैं सुबह के पहले दर्शन। जय भोलेनाथ। शिवलिंग के जब बिल्कुल नज़दीक हम पहुंच जाएंगे, आपको और अच्छे दर्शन कराएंगे। फिलहाल ये पहले दर्शन भीम द्वार से थोड़ा पहले से। जय भोले शंकर, हर हर महादेव, सबका भला कर प्रभु, ओम नमः शिवाय। हम पहुंच चुके हैं भीम द्वार। ये सामने आपको जो टेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये भीम द्वार है। और ऊपर जो टेंट नज़र आ रहे हैं वो पार्वती बाग है। अब आप देख रहे हैं पूरे ग्लेशियर ही ग्लेशियर हैं, हमें इनको पार करना होगा बाबा के दर्शनों के लिए। और आपको सामने का पूरा दिखा देता हूँ, ये देखिए अद्भुत दृश्य, जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ टेकिंग व्यू। ये देखिए, जय भोले शंकर। ये भीम द्वार के टेंट्स, और उसके ऊपर जो ऊपर छोटे छोटे टेंट दिख रहे हैं वो पार्वती बाग। अब उसके ऊपर से हमें बिल्कुल स्टीप ट्रैक पार करके जाना है शिवलिंग दर्शन के लिए। जय भोले शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ये जितेंद्र भैया मुझसे बोल रहे हैं कम से कम रुको, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा है क्योंकि ये नज़ारा ही ऐसा है, कहाँ मिलेगा। जय भोले शंकर, जय। ओम नमः शिवाय। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा ग्लेशियर है भीम द्वार पर पार्वती बाग को जाने के लिए, और छोटी सी पगडंडी, इस पर लोग अपना जा रहे हैं। और अब हम भी उस ग्लेशियर को क्रॉस करेंगे। देखिए पतली सी जो आपको चींटियों की तरह से नज़र आ रहा है, वो सब लोग, श्रद्धालु लोग ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे हैं। वो देखिए, बहुत हल्की सी लाइन आपको ऊपर दिख रही होगी, आपको और नज़दीक से भी दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ दूरी पर हैं इसलिए आपको बहुत हल्का नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, वो ऑरेंज गमछा जो डाले हुए हैं भैया, ऑरेंज शॉल जो डाले हुए हैं, भगवा शॉल, वो हमारे ग्रुप के हैं संदीप दहिया जी, वो सबसे आगे, और वो ग्लेशियर पर चढ़ चुके हैं। ये देखिए, तो अब आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि यात्रा में कितना रिस्क है। ये देखिए ट्रैक पूरा कीचड़, ये ग्लेशियर, ये नीचे तक पूरा ग्लेशियर, और आगे देखिए लोग
भोले बाबा की तरफ बढ़ते हुए। जय भोले शंकर। ये हमारे देव भैया जो अभी भीम द्वार के ग्लेशियर पर खड़े हैं। जय भोले। जय भोले। और अब ये ग्लेशियर चढ़ने वाले हैं, वो देख सकते हैं टॉप तक ग्लेशियर है, वो चढ़ने वाले हम कुछ देरी में। आपको ग्लेशियर का पूरा वो दिखाएंगे, दृश्य दिखाएंगे। कुछ श्रद्धालु लोग ऊपर से नीचे आते हुए और कुछ ऊपर जाते हुए श्रीखंड की तरफ। ऊपर देख सकते हैं आप, धुंध पड़ी है पूरी तरह से, दिखाई नहीं दे रहा है। और ये ग्लेशियर पर चढ़ चुके हम, शुरू हो चुका है। ये देव भैया आगे जा रहे हैं। तो आप वीडियो देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं, जय भोले, जय भोले बाबा, कि कितना रिस्क है और आनंद भी आता है। रिस्क के बिना आनंद भी नहीं आता। तो ये खूबसूरत नज़ारा भीमद्वार का देख सकते हैं आप। ग्लेशियर ये बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुके हम। ये भीमद्वार है, आगे देख सकते हैं आप। ये दे भैया आगे जाते हुए। और जय भोले, जय शंकर, हर हर महादेव। ये हमारे भैया जो अभी श्रीखंड जाने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी हम पार्वती बाग में हैं। यहाँ पार्वती माता का मूर्ति है। और आके कुछ यात्री जा रहे हैं। यहाँ से दो रास्ते हैं, कोई ग्लेशियर होकर ऊपर चल रही है सीधे। ये देखो चढ़ाई देख सकते हैं आप, थोड़ा सा धुंध है, साफ दिखाई नहीं दे रहा। ये हमारे भाई लोग, जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोले। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुक्मि वंदनार्थं। शंकर भगवान का ध्यान करवा दो। आत्मा तुम गिरिजामति सहस्रा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयो प्रभोग रचना निंद्रा समाधिस्थि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तद्यक्रम संभूत वाराधनं। हम जो यात्रा कर रहे हैं आपके निमित्त कर रहे हैं हमारी यात्रा को। बोल शंकर भगवान जय हो। जय जय भोले शंकर। दोस्तों अभी हम पार्वती बाग में हैं। बहुत ही स्वर्ग जैसा नज़ारा, मानो हम स्वर्ग में खड़े हों। हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हम यहाँ तक पहुँच भी गए। तो मेरे पीछे आप देखिए पार्वती माता का मंदिर है और श्रद्धालु आगे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और कुछ लोग वहाँ पीछे ग्लेशियर पर चढ़ाई कर रहे हैं। वो बहुत ही रिस्की रूट है क्योंकि इस बार पूरा बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, तो लोग ग्लेशियर से पूरा रास्ता ढक चुका है। तो लोग ग्लेशियर पे भी जा रहे हैं। आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं लोग। हम लोग सेफ रूट से जा रहे हैं, जिधर बर्फ थोड़ी कम है। हम इस रूट को लेंगे, ये वाला रूट हम लेंगे। ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सांस लेना बड़ा ही मुश्किल। और अभी हमारी यहाँ से लगभग 5-5.5 किलोमीटर की यात्रा रहेगी शिवलिंग तक, धुंध से भरा हुआ पूरा। तो आपको दिखाते रहेंगे जगह जगह का। बहुत ही दुर्गम, बहुत ही अद्भुत, स्वर्ग जैसा अनुभव हमें मिल रहा है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।
जय भोले शंकर। हम मेन सरोवर पहुंच चुके हैं। देखिए लगभग पूरा मेन सरोवर जम गया है, नहीं तो यह सारा आपको पानी पानी यहाँ पूरा में सरोवर में जल होता था। अभी पूरा जम चुका है बहुत ज़्यादा बर्फ के कारण, कुछ भी वो पानी का बहुत थोड़ा सा स्रोत बचा है। और चारों तरफ देख लीजिए नज़ारा, धुंध। हमें इस रास्ते से ऊपर जाना है शिवलिंग के दर्शन के लिए। जय बोले। ये हमारे गाइड भैया जितेंद्र जी डैम सरोवर का जल लेते हुए। जय पार्वती माता, जय हो मैया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पूरा नैन सरोवर बर्फ में तब्दील होता हुआ। और हमारे ग्रुप के लोग आगे बढ़ चुके हैं। बड़ा ही सुंदर नज़ारा। जय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अभी हम शिवलिंग से बस कुछ सौ मीटर दूर हैं। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब बताया नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रैक। जितना हर साल होता था उससे तीन गुना, इतनी ज़्यादा स्नो हो चुकी है, रास्ता बचा ही नहीं। ये देखिए श्रद्धालु लोग दर्शन करके आ रहे हैं, ऊपर वहाँ शिवलिंग है। जय बोले की, जय बोले, जय बोले। तो अभी हम भी बस पहुँचने वाले हैं। जय शंकर, जय शंकर। दोस्तों हमारे लिए बहुत ही भावुक पल, और हम भोले बाबा से बस कुछ ही कदम की दूरी पर, हमारे आंखों से आंसू नहीं रुक पाए। ये खुशी आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये सिर्फ महसूस की जा सकती। बस इतनी कठिन परिश्रम परिक्रमा यात्रा के बाद बाबा के दर्शन, अब और कोई गिला शिकवा नहीं रह गया है। जय भोले शंकर। मैं आज धन हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए श्रीखंड बाबा हमारे पीछे, और हम श्रीखंड बाबा के चरण में। बाकी लोग पूजा अर्चना करते हुए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके अलावा। यहाँ पहुँचने की जो फीलिंग है वो मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, बहुत ही अद्भुत एहसास। पता नहीं स्वर्ग मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर यहाँ पे तो स्वर्ग हमने ले लिया, देख लिया कैसा होता है। ये देखिए कितना भव्य शिवलिंग, बाबा का 72 फुट का विशाल शिवलिंग श्रीखंड महादेव। जय भोलेनाथ सबके साथ। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले।
दोस्तों अभी हम नैन सरोवर में हैं और ये देखिए ये शिव के भक्त इतने बड़े ग्लेशियर पे स्लाइड कर रहे हैं ऊपर से, क्योंकि यहाँ से उतरना बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। ये देखिए अभी एक और एक बंदा और स्लाइड स्टार्ट करने वाला है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है नैन सरोवर का। और हम भी स्लाइड करके आए, ये देख लीजिए। जय भोले शंकर। रात को हम इस टेंट में रुके थे, थोड़ा हाथ लाइन है, ये टेंट हमारा था जहाँ हमने शेल्टर लिया, सारे कपड़े भीग गए हैं। और आपको ये भीम द्वारका दिखा देता हूँ, ये ग्लेशियर्स चारों तरफ ग्लेशियर्स, ये देखिए आगे ये टेंट्स, ये देखिए हर तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर। ये भीम द्वार है और रात को हम वो बड़ा वाला ग्लेशियर पार करके आए जहाँ से अभी लोग अपना ऊपर जा रहे हैं दर्शनों के लिए, वहाँ से हम रात को 10 बजे यहाँ पहुँचे क्रॉस करके। बड़ा ख़तरनाक था, बारिश थी, बहुत ही रिस्की था, लेकिन हमारे पास ऊपर रुकने की कोई जगह भी नहीं थी ना, इसलिए हम चलते 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 यहाँ पहुँचे। इस टाइम मतलब कल से तो काफ़ी कम ठंड लग रही है मुझे, लेकिन मेरी सारी जैकेट गीली है, मैंने सारे गीले कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि सब भीग चुके हैं ऊपर, बहुत तेज़ बारिश। और शिवलिंग के दर्शन आप लोगों को ढंग से नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ बर्फीला तूफान था। मैं अभी आपको अपनी हालत भी दिखाता हूँ। जय बोले, ओम नमः शिवाय। ये देखिए सारी जैकेट गीली, और आप मेरे जूते देखेंगे तो दिखा देता हूँ आपको, पहचान में भी नहीं आ रहे मेरे जूते। ये देखिए 1.5 फीट कीचड़ में से हम लोग रात को क्रॉस करके आए। ये देखिए अभी फ़िलहाल मैंने गीली जैकेट ही पहनी हुई, मुझे बहुत ठंड भी लगी बिकॉज आई हैव नो ऑप्शन। हमारे बाकी के कपड़े नीचे एक टेंट में हमने रखे हुए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जय श्री। नमस्कार, अभी हम लोग भीम द्वार से उस ट्रेन से होते हुए, और ये रास्ता जो आपको दिख रहा है ये कुंचा को जा रहा है। अभी हम लोग कुंचा जाएंगे, शायद हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वहाँ में मिले, अगर नहीं मिलेंगे तो हम और आगे चलेंगे। और शरीर की वो हालत है जो बता ही नहीं जा सकती, लेकिन हमें नीचे तो जाना है। और आप देख सकते हो क्या व्यू है यहाँ पर, चारों तरफ ग्लेशियर, बर्फ, ग्रीनरी। बाकी लोग नीचे डाउन ट्रैक करते हुए, हमें भी इसी ट्रेल से आगे बढ़ना है, तो आगे फिर मिलेंगे आपसे। जय बोले।
ये देखिए घना जंगल, श्रीखंड महादेव की यात्रा में दूर दूर तक कोई आदमी नहीं। ये देखिए बिल्कुल सुनसान रास्ता। और ये है बिच्छू बूटी, जो अगर इंसान को लगा दे तो जैसे मधुमक्खी के डंक होते हैं इस तरह से जहर छोड़ती है। बहुत ही दर्दनाक जड़ी बूटी है ये। तो यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी पेड़ पौधे से हाथ ना लगे, क्योंकि पता नहीं वो उसका क्या रिएक्शन होगा। और ये स्टोन्स पे ये मार्किंग है, इसी से आपको पता लगेगा रास्ता कहाँ है। जय भोले शंकर। ये देखिए कितना मुश्किल रास्ता, ये श्रद्धालु अकेले जा रहे हैं। बहुत ही हिम्मत चाहिए इस यात्रा के लिए, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, हर तरीके से आपको तैयार रहना पड़ेगा। जय भोले शंकर। जय बोले दोस्तों, अब हम शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। अपनी यात्रा को खत्म करने के बाद हम सुबह सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। और ये हमारे साथी यात्री भैया भैया शास्त्री जी और सभी लोग बहुत थक चुके हैं और इनको आराम की जरूरत है। तो फाइनल सबको गुड नाइट। आपको दिखा दूँ हमारी पीछे से पूरी बस खाली, हम किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जय बोले, जय बोले बाबा जी, बम बम बोले, बम बम बोले।